हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 सीजीएल कोर्ट केस के बारे में कि जो आपका एग्ज़ाम है कैंसिल होगा या नहीं होगा, या जो 11 अप्रैल की हियरिंग है उसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लेटेस्ट जानकारियों से अवेयर रह सके जो भी हम एसएससी सीजीएल 2017 कोर्ट केस के बारे में बताते रहते हैं। तो दोस्तों, जो आपका कोर्ट केस है वो 11 अप्रैल को हियरिंग होने वाली है। हमें बार बार जो हियरिंग है उसको एक एक दो दो दिन आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे छात्रों को बहुत परेशानी होने वाली है और 2018 का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक आने वाला है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी भी करते रहिए साथ साथ में और कोर्ट केस के बारे में भी जानते रहिए कि जो अब क्या होने वाला है जो आपका 2017 का कोर्ट केस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको हम कुछ डिटेल्स दिखा देते हैं, ऑफिशियल पेपर दिखा देते हैं जो सीजीएल 2017 के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लिखा हुआ है जो आपका आइटम नंबर 1 है, कोड नंबर 2 है और सेक्शन, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपकी ये जो है लिस्ट ऑफ मैटर, जो आपका लिस्ट ऑफ मैटर अब 11 तारीख को, जो कि कल है, आज जो है आपका 10 अप्रैल है, जो कल आपकी हियरिंग होने वाली है वो आपकी सबसे पहले हियरिंग होने वाली है। तो 11 बजे से आपकी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो हमारे किशन कौल जी से, संजय किशन कौल जी, वो अब हमारे मेम्बर नहीं है इसके कोर्ट केस के जो एसएससी सीजीएल 2017 का था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी कोर्ट केस हियरिंग होने वाली थी वो 9 तारीख के बाद अब 11 तारीख को कर दी है। यहाँ पे आप ये पूरा पढ़ सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपके आज का लेटेस्ट न्यूज़। हम आपको वो भी दिखा देते जो न्यूज़पेपर में जो आज आया था सीजीएल 2017 कोर्ट केस के बारे में, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। एसएससी पेपर लीक मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को 2017 के एसएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में कोर्ट केस की डायरी जांच और स्टेटस रिपोर्ट दाखिला करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि इस मामले पर 11 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने 1 अप्रैल को कर्मचारी चयन आयोग को पिछले साल हुई एसएससी स्थानक संयुक्त स्थान तक स्तरीय सीजीएल 2017 पुनः परीक्षा के नतीजे घोषित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट केस ने कहा है कि संगठन में ही किसी के भ्रष्ट होने की वजह से लाखों बेरोजगार युवाओं को खामियाजा भुगतना पड़ा। एसएससी संयुक्त स्तरीय 2017 परीक्षा के पेपर कथित रूप से लीक होने की वजह से कई दिन तक रोजगारों की उम्मीद लगाए युवकों ने विरोध प्रकट किए। इसी विरोध में के बीच कर्मचारी चयन आयोग ने प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप की जांच सीबीआई को सौंप दी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 31 अगस्त को इस परीक्षा के नतीजे की घोषणा पर रोक लगाते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि पूरी परीक्षा और व्यवस्था ही दागी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड करवाते रहेंगे एसएससी सीजीएल 2017 और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। जो भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल की जो भी हमारी पास लेटेस्ट अपडेट आती है वो हम आपको बता देते हैं। तो जो अब हमारे अब होने वाले एस ए बोबड़े, संजय किशन कौल जी और इंदिरा बैनर्जी जी, तो ये तो अब हमारे मेंबर नहीं रहे हैं। तो देखते दोस्तों, जो अब हमारी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 11 तारीख 11 अप्रैल को क्या होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब देखते हैं, मिलेंगे आपसे कल कि जो कोर्ट केस 11 अप्रैल की हियरिंग को पूरी डिटेल्स लेके कि उसमें क्या हुआ है, क्या होने वाला है। तो पूरी कोर्ट के पूरी हियरिंग की हम डिटेल चर्चा करेंगे कल 11 अप्रैल को। आज 10 तारीख है। तो दोस्तों, देखते हैं जो आपका मामला है वो पूरा, उम्मीद है कि कल आपका डिस्कस हो जाएगा। कल एक जहाँ तक उम्मीद है लॉन्ग हियरिंग होने वाली है, जो 9 तारीख को होने वाली थी वो अब 11 तक को डिले कर दी है। अब उम्मीद करते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो 11 तक 100% रह जाए, अब और डिले ना किया जाए, क्योंकि छात्र वैसे ही बहुत परेशान है और उन्हें अब ज़्यादा परेशानी नहीं देनी चाहिए कोर्ट को। हम आपके साथ हैं एकदम बिल्कुल। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट रहिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे दोस्त